जरा हाँ हाँ मजा आ जाएगा। मतलब आज लेने को अभी भी ले सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका नए व्लॉग में। एक नया व्लॉग बनाएंगे आज। आज व्लॉग बनाएंगे फूड का, क्योंकि विंटर्स हैं तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है। तो मीठे में बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं, गाजर का हलवा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। गाजर से सिर्फ हलवा ही नहीं बनता, गाजर से खीर भी बनती है। तो आज हम बनाएंगे खीर, गाजर की खीर, ठीक है? तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया एक पतीली। पतीली में हमने थोड़ा सा एक चम्मच पानी डाल लिया है ताकि दूध नीचे लगे ना। यहाँ पर 1 लीटर दूध ये है और 1/2 लीटर ये है, तो 1.5 लीटर की बनाएंगे। और यहाँ पर ये मैंने गाजर ले लिए हैं, तो 2-3 गाजर अंदाजे से। ऐसा कुछ नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि इतने ग्राम डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। जितना मन करे उतना डाल लो, ठीक है ना? तो 1.5 लीटर के लिए ये बड़ी गाजर है, तो मैंने 3 गाजर ले लिया। अभी ग्रेट के पता चलेगा कि ठीक है या नहीं है इतनी, ठीक है? कम कर लेंगे अगर ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर हमने चावल भिगोए हुए ले लिए हैं, तो ये 4 चम्मच खाने वाले चावल हैं, 4 से 5 चम्मच हैं ये खाने वाले, ठीक है? इसको भिगो कर। सो गाइस, सबसे पहले इसको हम पील कर लेंगे। तो यहाँ पे पीलर की सहायता से हम इमली देखो, ठीक है? इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इमली सही है। तो यहाँ पे पीलर की सहायता से इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है? तीनों को कर लेंगे और फिर ग्रेट लेंगे। तो ग्रेट के मिलती हूँ फिर मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये 3 गाजर को वो पील कर लिया। अब इसे वॉश करके फिर इसे ग्रेट लेते हैं, तो फिर मिलते हैं, ठीक है? सो गाइज, अगर ग्रेटना नहीं आता है तो ऐसे मेरे से सीख लो, ऐसे लेना है, ठीक है? ऐसे नीचे रख लो, ऐसे ले लो और इसको प्यार से कोई भी काम करो, प्यार से करना है, ऐसे ऐसे। दूध उबल रहा है, स्लो कर देते हैं। इसका भी ध्यान रखना होता है वरना गिर जाता है अभी। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने अभी दूध उबाला है और 1/2 किलो दूध जो हम वो लाते हैं डेयरी वाला, तो वो वाला मिक्स करके बनाऊंगी मैं, ठीक है? आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो दूध की, आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना, ओके? सो गाइस, वैसे बेसिकली जो ये खीर होती है, हम ठंडी ठंडी खाते हैं ना तो अच्छी लगती है, पर ये वाली जो खीर है ये विंटर की स्पेशलिटी है, तो हम इसे गर्म गर्म खाते हैं। गर्म गर्म ये बहुत अच्छी लगती है, ऐसी वाली लगती है, बनाओ और खाओ। अच्छा, अगर आपने मेरी नॉर्मल वाली जो चावल की खीर है अगर वो नहीं देखी, तो मैं यहाँ पे आई बटन में डालूंगी, तो वो आप वहाँ से जाके एक बारी जरूर देखना नॉर्मल खीर कैसे बनाते हैं, तो आप वो भी ट्राई करना। गाइस, वो दिन कब आएगा जब मेरे पास भी आईफोन होगा, क्लैरिटी अच्छी होगी वीडियो में? आएगा, जल्दी आएगा। लेने को अभी भी ले सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर क्यों लेना है ना? खाली कैमरे के अलावा उसमें कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं कैमरा ही लूंगी ना फिर, एक अच्छा सा। डैडी है, डैडी आए हैं देने के लिए। मुझे खांसी बहुत है ना, वो तो वीडियो में मैं दिखाती नहीं हूँ, वरना इतना खांस रही हूँ ना कि कोई सुन ले तो कहे टीबी हो गया इसे, या तो टीबी हो गया या तो कोरोना ही हो गया। यहाँ पर अभी 1.5 किलो दूध, ये 1.5 किलो दूध है। यहाँ पर मैंने इसे बॉईल करके 1 किलो और जो उबला हुआ था दूध उसको भी इसमें अब मैंने मिला दिया। अब ये दोनों एक साथ बॉईल हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये गाजर को मैंने ग्रेट लिया है, तो मुझे 3 गाजर सफिशेंट लग रही है, ना कम लग रही है ना ज़्यादा लग रही है। और अभी इसका यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले तो अभी ये बॉईल होएगा ना, तो पहले सबसे इसमें चावल डालेंगे, ठीक है? ये दूध उबलने में नहीं आ रहा। उबल जा राजकुमार, ये फीमेल है या मेल है आई डोंट नो। चुप तुम रहो, चुप हम रही, चुप तुम रहो खामोशी को, खामोशी से दूध को तो उबलने दो, उबलने दो जी। अब
यहाँ पर दूध जो है वो उबल चुका है, तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हम चावल। जो चावल हैं वो हमने डाल दिया और अब इसको हमें बॉईल होने देना है कि जब तक कि चावल थोड़े से फूल ना जाएं, ठीक है ना। अभी तो ये डाले ही हैं देखो, और अभी ये थोड़े फूलेंगे तो तब तक हमें इसे मीडियम या थोड़ा सिम से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इसे, वरना दूध गिर जाएगा। मेरे से गिर जाता है बहुत बारी। वाइल हम यहाँ पर जो शुगर है वो निकाल लेते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि एक जो है 1 किलो में हम 8 चम्मच चीनी डालते हैं, तो यहाँ पे 1.5 किलो है। तो पर अभी हम मीठा थोड़ा कम खाते हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे 10 चम्मच डालूंगी मैं 10। सो गाइस यहाँ पर मैंने चीनी जो है वो निकाल लिया है, तो 1 किलो पे 8 चम्मच के हिसाब से, आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लेना, 1.5 किलो के हिसाब से, और कम खाते हो तो उसे कम कर लेना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी कमी ली है, आप प्रॉपर डालना ठीक है, और ज़्यादा खाते हो तो आप 15 चम्मच तक भी डाल सकते हो चीनी, ओके। सो गाइस ड्राई फ्रूट के नाम पे हम डालेंगे काजू, मुझे खीर में खाली काजू ही पसंद आते हैं, और ये डालेंगे हम ये इलायची का पाउडर डालेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी विंटर आ गया है, तो ये नहीं है कि विंटर आ गया है तो रजाई में दुबक के बैठ जाओ, तो कुछ कर भी लिया करो थोड़ा, क्योंकि वैसे ही ओमिक्रॉन का काफ़ी प्रॉब्लम आजकल आने को हो रहा है, तो ध्यान रखो आप लोग भी, और बाकी घर में बनाओ यार, विंटर्स आ गए हैं, मेरी तरह करते रहा करो, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो गाइस, मुझे तो सब बहुत निकम्मा बोलते थे, ठीक है ना, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो बना लो। देख लो आसपास कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, देख लो दूर दूर तक देख लो कोई भी नहीं है गाइस, बना लो खुद ही। और जो लोग सोचते हैं ना मुझे ये तो बनाना नहीं आता, वो तो बनाना नहीं आता, अरे इसमें ये कितना डलेगा, अरे इसमें वो कितना डलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जितना मन हो उतना डाल लो, ठीक है ना। बस एक तरीका पता होना चाहिए कि पहले ये डलता है और पहले वो डलता है, बाकी अपने आप बनाओ। एक बारी गलत बनाओगे ना, दोबारा तो अच्छी बनाओगे, तिबारा अच्छी बना लोगे, चौथे टाइम पे बच जाना। चावल है आप देखो थोड़े से ना, अब ये देखो फूल गए हैं ना थोड़े से, अभी इस पॉइंट पे ना हम यहाँ पर गाजर डाल देंगे इसके अंदर। गाजर लो थोड़ी थोड़ी ऐसे उठाओ, और ध्यान से डालनी है, कहीं अपने ऊपर वो छीटे वीटे ले लो तो ध्यान से डालनी है, ठीक है, या तो कॉर्नर से ही डालो, ऐसे डालो कॉर्नर से, ये यहाँ कॉर्नर से, हाथ अंदर ना चला जाए भाई, सीधी बात। गाइस यहाँ पर सारी गाजर मैंने डाल दी, कितना अच्छा लग रहा है ना कलर, मतलब वाइट और रेड। कहते हैं ना इंसान पहले आँखों से खाना खाता है, फिर वो हाथों से खाना खाता है, तो अगर कोई चीज़ आँखों से ही अच्छी लग रही है तो अच्छी तो बनी ही होगी, तो कोशिश करिए कि ऐसी कलरफुल चीज़ें बनाइए जो दिखने में प्रेजेंटेशन रखिए थोड़ी, तो पहले तो इंसान पहले देखता है, पहले उसके सामने ला कर रखो तो पहले वो आँखों से ही खाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इसे पकने देंगे, नेल पेंट चेंज कर लिया गाइस मैंने, सारे नाखून काट दिए मैंने, क्योंकि ना वो थोड़े टूट गए थे तो फिर मैंने रेड लगा लिया, तो यहाँ पर इसको अभी हम पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने अभी चीनी भी इसके अंदर डाल दी है, और अभी हम इसको आराम से सिम पर आराम से पकने देंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखो गाइस धीरे धीरे बॉईल आ रहा है ना, इसको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अदरवाइज गिर जाएगा ये, तो स्लो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी जो भी आपकी गैस है उसको आप एडजस्ट करके इसको ऐसे रखना कि बॉईल भी आता रहे और गिरे भी ना, ठीक है गाइस। तो ये टास्क है एडजस्टमेंट करना। लोगों के घर बनाते हैं ये वाली खीर, गाजर वाली, नॉर्मल खीर तो सबके यहाँ बनती है ना, अब गाजर वाली पता नहीं बनती या नहीं बनती, हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं ये गाजर वाली खीर, और बहुत अच्छी लगती है ये गाजर वाली खीर भी, और एक गाजर वाले चावल भी बनते हैं, गाजर वाले चावल भी बनाऊंगी, पर अभी नहीं, अभी मुझे खांसी है ना, फिर मुझे खाने पड़ेंगे, और चावल आजकल बंद कर रखे हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम वैसे ही हो रखी है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा चावल के बिना, चावल मुझे बहुत पसंद है, तीनों टाइम चावल ही दे दो मुझे। सो गाइस जब तक खीर स्लो स्लो वहाँ बन रही है, दिख रही है वहाँ पे बन रही है, स्लो स्लो बन रही है, वहाँ खड़ी रहूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ना मैंने कल जो बर्गर बनाया था, देखा होगा आपने, मैंने फोटो भी डाली थी गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो मुझे फॉलो कर लो गाइस, क्योंकि सबसे पहले मेरा सारा अपडेट इंस्टाग्राम पे ही होता है, तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफ्स डालती हूँ, सारी चीज़ें डालती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बर्गर पड़ा हुआ था, मैं भूल गई थी, तो आज उस बर्गर को हम चाय के साथ खाएंगे। दोस्तों एक बात तो कहना ही, मैं भूल गई, कैसे भूल गई,
कि अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, कर लो। क्या है, कैसे थोड़ी लग रहा है, कर लो। सो यहाँ पर 15-20 मिनट बाद इसकी सिचुएशन देखो, यहाँ पर ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और जो चावल हैं वो ये देखो, चावल जो हैं प्रॉपर पक गए हैं, और गाजर जो है वो श्रिंक हो गई है। तो अभी जो है ये पकेगी और ज़्यादा ताकि ये क्रीमी होए, क्योंकि ये कम तो देखो अभी हो गई है। यहाँ से ये कॉर्नर से इसके छुटाते भी जाना है। सो गाइज, इसी पॉइंट पे अभी यहाँ पर जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालना हो, काजू बादाम किशमिश वगैरह, ये सब डाल दो। और इलायची पाउडर भी डालना है, तो यहाँ पे काजू के साथ साथ इलायची पाउडर भी डाल देंगे हम लोग। आप चाहो तो इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो गया। आप हो तो आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम इसे पकने देंगे। सो गाइस, करीब 1.25 घंटा लगा है इसको बनने में, और अब ये खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो ये गाढ़ी भी हो चुकी है और बहुत क्रीमी हो चुकी है। तो अभी इस स्टेज पर हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी ये रूम टेम्परेचर पे आते आते भी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा पहले ही आप इसे बंद कर देना। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं बाउल में। गाइस ये देखो क्या क्रीमी, क्या टेक्सचर, आहा मज़ा आ जाएगा मतलब आज। तो गाइज इसे सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको भोग लगाएंगे, क्योंकि हम तो भोग लगाते हैं हम अपने घर में, जो भी चीज़ बनाते हैं या लाते हैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो धुआं उड़ता हुआ देख रहे हो, आहा हा। अभी इसका कलर इतना रेडिश है, इतना आया नहीं, आ नहीं रहा है वीडियो में। लो जी, टॉपिंग विद काजू। चलो जी पहले भोग लगा लेते हैं। सो गाइज, हमने भोग लगा दिया और अब हम खाएंगे। जिनकी वजह से हमें मिलता है, तो हम कुछ भी बनाते हैं तो उनको तो भोग लगाना ही चाहिए। आप भी लगाया करिए, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ट्राई कर लीजिए घर पे, है ना, मेरी तरह। ठीक है गाइस, बाय बाय। सो गाइस, मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। जबरदस्त। क्या बनी है यार, बहुत अच्छी बनी है रियली यार, मजाक बात नहीं है, वीडियो के लिए नहीं बोल रही, सच्ची बहुत टेस्टी बनी है। तो गाइस जरूर ट्राई करना। सो गाइस, पापा का रिव्यू भी ले लो। सो गाइस, मैं मेरे को खीर मिली है खाने के लिए, और मैं खा के आपको बताता हूँ कि क्या इसमें कमी है, कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है जी, बहुत अच्छी बनी है। आप मेरी जगह होते तो मजा ही आ जाता। क्या कहते, लोटपोट हो जाते गाइस, लोटपोट हो जाते, जमीन पे गिर जाते।